press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय व्यूअर्स, वेलकम टू एचयूजी 75 ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एयर कूल चिलर इक्विपमेंट सिलेक्शन। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एयर कूल चिलर के इक्विपमेंट्स, पार्ट्स, मेजर पार्ट्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इस एयर कूल चिलर को सिलेक्शन की इसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एयर कूल चिलर इक्विपमेंट सिलेक्शन। फर्स्ट हम देखेंगे एयर कूल चिलर फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। फिजिकल कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एयर कूल चिलर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एयर कूल चिलर में होता है कंप्रेसर, जो कि रेसिप्रोकेटिंग स्क्रॉल और स्क्रू टाइप के कंप्रेसर एयर कूल चिलर में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट होता है कंडेंसर। थर्ड मेजर कॉम्पोनेंट जो होता है वो है कंडेंसर फैन, एक्सपेंशन वाल्व, एवोपरेटर, कंट्रोल पैनल। कंप्रेसर जो कि हम देख कह सकते हैं जिसे रेसिप्रोकेटिंग स्क्रॉल और स्क्रू एयर कूल चिलर में ये तीन टाइप के कंप्रेसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट होते हैं कंडेंसर, जिसे हम एयर कूल कंडेंसर कहते हैं, क्योंकि ये कंडेंसर एयर कूल टाइप होते हैं इसीलिए हमारे चिलर को यहाँ पर पर्टिकुलर टाइप ऑफ चिलर को एयर कूल चिलर कहा जाता है बिकॉज ऑफ द कंडेंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा होता है कंडेंसर फैन। जी हाँ, ये हमारे कंडेंसर फैन होता है जो डिपेंडिंग ऑन द लोड रिक्वायरमेंट और कैपेसिटी के हिसाब से इसको कंडक्शन फैन के साइजेस किए जाते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल्व एयर कूल चिलर में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारी लास्ट मेजर कॉम्पोनेंट होता है कूलर, यानी कूलर को हम यहाँ पर एवोपरेटर भी कह सकते हैं या आप इसे कूलर भी कह सकते हैं, जो कि शेल एंड ट्यूब एवोपरेटर या शेल एंड ट्यूब कूलर कहा जाता है जिसे। जी हाँ, जहाँ पर हमारी एक्चुअल कूलिंग होती है रेफ्रिजरेंट और चिल वाटर पाइपिंग के लिए। एयर कूल चिलर टेक्निकल रिक्वायरमेंट, आइए अब हम देखते हैं एयर कूल चिलर के सिलेक्शन करने के लिए इसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट के पैरामीटर्स क्या होते हैं जिसके अनुसार हमको एयर कूल चिलर सिलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज कंप्रेसर टाइप, जो कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल स्क्रू कंप्रेसर लिया हुआ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एम्बिएंट टेम्परेचर। नेक्स्ट टोटल कूलिंग कैपेसिटी, जो कि टनेज में ली जाती है। एंटरिंग चिल वाटर टेम्परेचर, लिविंग चिल वाटर टेम्परेचर, वाटर फ्लो जीपीएम, जीपीएम या लीटर पर सेकेंड डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन, आप किसी भी यूनिट में इसे ले सकते हैं। पावर सप्लाई। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो एयर कूल चिलर के लिए सिलेक्शन के लिए एसेंशियल होते हैं।